मेरे साथ हैं इस टाइम राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। बेडम साहब, किरोड़ी जी एक प्रतिनिधिमंडल आपके पास लेके आए थे, क्या तो आपकी बात हुई है, क्या क्या उनकी डिमांड थी और क्या आपने आश्वासन दिया? देखिए, देवरी उनियारा विधानसभा में समरावता गांव में जो घटना हुई, वहाँ उन गाँव का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी के साथ मेरे यहाँ करके मिला था। उनका गांव वालों का कहना था कि भाई, जिन लोगों ने उपद्रव किया, घटना की, वो कोई बाहरी लोग थे, गांव के लोगों का उसमें कोई दोष किसी प्रकार का नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जांच का विषय पूरा जांच करा लेंगे, निर्दोष कोई फंसेगा नहीं और दोषी कोई बचेगा नहीं, इस धेय को लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक उनका कहना था कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जाँच हो। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी और मैं दोनों सक्षम स्तर पर चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, प्रकरण की जांच होनी चाहिए, आप ठीक है, लेकिन जो भी न्यायोचित होगा वो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, वह शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके हमने उचित कदम उठाए हैं, संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है और वो गाँव वाले भी इस बात को लेकर के बहुत मजबूती से उन्होंने कहा कि बाहर के व्यक्ति आकर के हमारे यहाँ शांति भंग करने का काम करेंगे तो हम उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पुलिस में सूचना करेंगे और उनकी जिम्मेदार लोगों की एक टीम भी बनी है, कमेटी भी बनी है कि वो किसी भी उपद्रवी को गांव में नहीं घुसने दें। ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा, गांव वाले ये भी कहते गए कि पुलिस ने भी वहाँ पर काफ़ी बर्बरता की, पुलिस ने मारपीट की, क्या इसकी न्यायिक जाँच होगी? उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह की कोई घटना है। मैंने यही कहा है, हम सक्षम स्तर पर चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे, जांच में जो भी दोषी होंगे वो कोई भी हो उनको बर्दाश्त नहीं किया। मुआवजे की भी बात है, नियमों में क्या प्रावधान है, वो एसटीआरएफ उनके पास है, गुरुलाल जी के पास जो भी नियमों में प्रावधान है क्या है, पूरे प्रकरण की जाँच कराएंगे और उससे रिपोर्ट मंगाएंगे, सत्यता जो भी होगी उस पर नियमानुसार आगे कार्रवाई। क्या आपका जाना भी हो सकता है? आवश्यकता नहीं है, शांति है, गांव वाले शांति चाहते हैं, सब शांति है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, अमन चैन है। वो तो बाहर के कुछ टपोरी लोग आए और उन्होंने वहाँ बदमाशी कर दी, तो इस तरह बदमाश लोगों की कार्रवाइयों का निर्दोष लोग खामियाजा नहीं भुगतें, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे और दोषी कोई बचे नहीं, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, उसने कहा नरेश मीणा कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था तो चुनाव क्यों लड़ा और इसकी हम पीसीसी से जांच कराएंगे, भाजपा को जिताने के लिए तो नहीं लड़ा, भाजपा की वीटिंग बन के तो नहीं लड़ा, इस तरीके का बयान आया है, इसको कैसे देखेंगे? अब पीसीसी कोई इंटरपोल तो है नहीं जो उसकी प्रकरण की जाँच करेगी, वो अपनी अंदरूनी लड़ाई जो कांग्रेस की है, उनका जो टारगेट है वो कांग्रेस के नेताओं पर है, सीधा निशाना वहीं कर रहे हैं। बीजेपी का नाम तो वो पॉलिटिकली ले रहे हैं, उनका असली निशाना कांग्रेस के खुद के नेताओं पर है, जो उनकी अंदरूनी लड़ाई है, कौन क्यों लड़ा क्यों नहीं लड़ा वो अपनी जाँच करें और उनके ही लोग जब उनकी पीछे से खाट खड़ी करने का काम कर रहे हैं तो उनका इलाज पार्टी के अंदर ही करें, हमें क्या लेना देना। वो ये भी कह रहे हैं ना भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए करनी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता थी, है और ये सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उनको हताशा हो रही है, वो हताशा में उलझन बयान दे रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को, जिन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आया था डॉक्टर गुरुलाल मीणा के साथ में मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, उन मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है, सरकार से बात मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और बहुत जल्द उन सब मांगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ किया जा सकता है वो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल समरावता के अंदर शांति बनी हुई है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।